यार, मैंने सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें फारूक से लेके दे दी है, अब कुछ भी करके ना ट्रेस करो इसे। शानी क्या हुआ? देख यार खबर, इन लोगों ने सिर्फ तेरे बहनोई के साथ तो फ्रॉड नहीं किया, जाने कितने लोगों को लूटा होगा, और अब तो शायद मुल्क छोड़ के फरार भी होगा। सही कह रहे हो तुम, ऐसे ही करते हैं ये सब। शानी ये वही लड़का जो मेरे घर पे आया था, लेकिन ये खावर भाई के पास क्या कर रहे हैं? ये जरूर वो खावर भाई को बहका रहा होगा ताकि ये नादी अभी तक बात पहुंचे और मैं मजीद बदनाम हूँ। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। शानी शान लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना हमें। कौन हो तुम? ये क्या हरकत है शानी? क्या बकवास कर रहे थे तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो, मैं भी तो सुनूं। क्या बक रहे थे तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दोस्त है मेरा, छोड़ो। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस वक्त इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं आपके सामने जवाब देनी हूँ खबर पे। तुम बताओ, तुम किसके कहने पर मेरे मामू की फैमिली को हरास कर रहे हो? बोलो। मामू की फैमिली को या मामू की बेटी को? इस तरह गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त कोई भी इसे तुम्हारे साथ देखेगा तो उसका भी यही दिल चाहेगा कि हरास करे, अच्छा थोड़ी समझेगा वो। छोड़ो इसे, जाओ कि तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा। ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं इसको? इसको तो मैं लेके जाऊंगा थाने, पुलिस के सामने अपनी जबान खोलेगा कि किसके कहने पे सब कुछ कर रहा है। क्या मकसद है इसका? तुम तमाशा कर लो रोड पे खड़े होके। जवान लड़की तुम्हारे साथ है, जो इज्जत बच गई है ना वो भी मिट्टी में मिलाओगे तुम। आप जानते हैं ना खबर भाई के सब कुछ क्या हो रहा है, जानते हैं ना? रोड पे खड़े होके तमाशा नहीं करते, कहीं बैठ के बात कर लेते। तुम जाओ 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 शाबाश। बैठ के बात करते हैं ना, तो आइए ना करें बात, आइए।